खबर सोनसी में मैं हूं विशाल पटेल, आपको दिखाऊंगा आज उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बहराइच में पनियार ग्रुप ऑफ स्कूल के महाप्रबंधक सैयद आफिस किरमानी को किसी अज्ञात शख्स ने धमकी भरा पत्र भेजने का मामला सामने आया है। उन्हें बजरिए डाक जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाले ने अस्पताल चौराहे स्थित संगम पैथोलॉजी के लिफाफे का इस्तेमाल धमकी भरे पत्र को रखने के लिए किया। पत्र मिलने के बाद श्री किरमानी ने सबसे पहले पैथोलॉजी के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश से संपर्क किया। दोनों ने संयुक्त हस्ताक्षर से कोतवाली नगर में तहरीर दी, जिस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ये जो पैसे वाली बात तुम कर रहे हो, ये पैसे वाला पत्र मुझे इस बार नहीं मिला है। सन 2008 में ये पत्र मुझे मिला था और मुझे इन्हें बल्कि शहर के 7-8 डॉक्टर्स हैं उनको भी मिला था, और ये करोड़ों की लेन देन का मामला था और काफ़ी दिन चला था। बट अब की बार जो है सन 2018 का मामला, यानी कि लगभग 10 साल के बाद ये फिर से हो रहा है मामला, और इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि होशियार जान की खैर मनाओ, ये लिखा हुआ है। ये पत्र हमको जो है हमारे कार्यालय में मिला। छुट्टी के बाद हम जब कार्यालय पे गए तो कार्यालय में वो पत्र पढ़ा मिला, और इस पत्र के अंदर कुछ और सामग्री रखी हुई थी जो कि अनावश्यक थी, बेकार थी, लेकिन उसके अंदर जो पत्र रखा हुआ था वो हमारे लिए बहुत ही सेंसेटिव था, इसलिए हमने उसकी जांच शुरू कराया। हमने बाकायदा पुलिस में इत्तला किया है। जाहिर सी बात है कि आम नागरिक होने के नाते और शहर के एक संभ्रांत लोगों में अगर कहीं नाम शामिल है हमारा, तो हम ये चाहते हैं कि हम जैसे लोगों को सुरक्षा जरूर मिले, और प्रशासन से हर व्यक्ति यही उम्मीद करता है। धमकी दी गई है, उस समय पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कोतवाली नगर क्षेत्र में एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक लिफाफा प्राप्त हुआ है और उसमें कुछ अन्य भी सामग्री थी, साथ ही उस पर होशियार रहने की चेतावनी दी गई है। इस मामले में स्थानीय पुलिस को बताया गया है कि प्रकरण को गंभीरता से जांच करें, और यदि इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।